नोएडा की एक पॉश सोसाइटी, बाहर खड़ी प्राइवेट कैब और उसमें पड़ा शव। आज इस मर्डर मिस्ट्री ने सबको हैरान और परेशान कर दिया। नोएडा की एक सोसाइटी में कैब के अंदर शव मिला। प्राइवेट कैब नोएडा सेक्टर 110 में सोसाइटी के बाहर खड़ी थी। शव 4-5 दिन पुराना था। कार के अंदर से बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को खबर की। कार से जिस व्यक्ति का शव मिला है उसकी पहचान लोकेंद्र के तौर पर हुई है। मौत की वजह फिलहाल साफ नहीं है। पुलिस के मुताबिक मृतक की उम्र 35 साल के आसपास है। शुरुआती जांच के मुताबिक जिसका शव मिला उसका पहले गला दबाया गया, फिर सिर पर किसी भारी चीज से वार हुआ। कैब के चारों पहियों की हवा निकली हुई थी। पीछे की सीट पर शव मिला। जब यहाँ पर काम करने वाले मेड सुबह से गुजर रहे थे तो यहाँ पर उन्होंने एक प्राइवेट कैब का वैगन आर देखा और वैगन कार के गाड़ी के पिछली सीट पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। सूचना पे पुलिस आई, चारों पहियों से हवा निकली हुई, देखा गया तो इसमें बदबू आ रही थी और अंदर एक डेड बॉडी पड़ी। पोस्टमार्टम के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी इसकी मृत्यु कैसे हुई।